ये रहा सुंदर हवा महल। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग फ्रॉम जयपुर। कल मैं पहुंच गया था जयपुर में और मैं रुका हूँ लॉर्ड्स इन, जो मालवीय नगर में पड़ता है। बहुत अच्छा होटल था और रूम भी बहुत अच्छा था। ये मुझे होटल मिल गया था 1800 रुपये में। आज का प्लान ये है कि आज हम जा रहे हैं जयपुर को एक्सप्लोर करने के लिए। अभी सीधा सीधे निकलते रहेंगे, जो भी रास्ते में पड़ता रहेगा ना मैं आपको वो दिखाता रहूँगा, क्योंकि सीधी लाइन पे ही सारे फोर्ट्स, हवा महल, जल महल ये पड़ता है। अभी मैं करने जा रहा हूँ ब्रेकफास्ट, ब्रेकफास्ट मेरा इंक्लूड ही था। और तो ब्रेकफास्ट करके फिर मैं आपसे मिलता मोटो व्लॉगिंग के सेटअप में। इडली, सांभर, पाइनएप्पल एंड वाटरमेलन, तो बस यही खाएंगे। ब्रेकफास्ट अच्छे दबा के करेंगे ताकि हमें दोपहर तक तो भूख ना लगे। तो बाइक रेडी हो चुकी है, बाइक को मैंने साफ कर लिया, अब निकलेंगे यहाँ से और मैं मिलता हूँ आपसे मोटर व्लॉगिंग के सेटअप पे। राइड की शुरुआत करते हैं भगवान के नाम से। जय भोलेनाथ, जय माता दी। जिस तरीके से अभी मैं जा रहा हूँ वैसे इस होटल में वापस आऊँ। और यहाँ पे पार्किंग अच्छी खासी है, आप गाड़ी पार्क कर सकते हैं। और मुझे लगा था जयपुर में अभी इतनी ठंड नहीं होगी, बट यहाँ पे ठंड है। एटलीस्ट दिन दिन की ठंड तो है, आपको स्वेटशर्ट या जैकेट पहननी पड़ेगी। पहले मैं सोच रहा था एक नॉर्मल टी शर्ट पहन जाता हूँ, बट भाई ठंड तो है। पहले हम जा रहे हैं हवा महल, जो यहाँ से 18 मिनट की दूरी पे दिखा रहा है, 6 किलोमीटर दूर है सिर्फ। बहुत ही ज़्यादा गाड़ियाँ, बहुत ही ज़्यादा बाइक है यार। जय हनुमान जी, जय। अभी अपनी बाइक यहाँ पे पार्क कर दिया और अभी जा रहे हैं सिटी पैलेस की तरफ। ये रहा सिटी पैलेस, क्योंकि हवा महल और सिटी पैलेस बिल्कुल साथ ही साथ है, तो पहले सिटी पैलेस को एक्सप्लोर कर लेंगे। पैलेस के लिए 300 रुपये की टिकट है, और अगर आप सीनियर सिटीजन है तो 150 रुपये, स्टूडेंट है तो 150 रुपये। ये रहा महाराजा सवाई सिंह म्यूजियम, सिटी पैलेस। ओ भाई साहब, इट्स ह्यूज, बहुत बड़ा है भाई, बहुत ही ज्यादा बड़ा है। यहाँ पे ये म्यूज़ियम के बारे में सब कुछ बताया गया है कि कहाँ पे क्या है, पूरा नक्शा दिया हुआ है और पीछे कुछ जानकारी भी दी हुई है। बहुत जगहों में ना फोटोग्राफी अलाउड नहीं है, तो मैं अंदर आपको दिखा नहीं पा रहा कि अंदर एक जगह मुबारक महल के अंदर ना जो कपड़े राजा पहनते थे उसकी लाइक आर्ट दिखाया हुआ है। सिटी पैलेस बहुत ही ज़्यादा बड़ा है, बहुत ही ज़्यादा बड़ा। देख रहे हो राजा यहाँ पे कितने ठाट से रहते थे, रियल में ठाट से। सिटी पैलेस घूम लिया है, अब जा रहे हैं जंतर मंतर की तरफ, जो यहाँ से हार्डली 2-3 मिनट की दूरी पे है, तो वहीं पे जा रहा हूँ। जंतर मंतर के टिकट के लिए इतनी भीड़ है यार, बहुत ही ज़्यादा भीड़ है यहाँ पे। तो सिटी पैलेस से जैसे आप बाहर निकलेंगे तो जंतर मंतर बिल्कुल सीधा है। फाइनली जंतर मंतर की टिकट मिली है, जो 52 रुपीज़ की है। बहुत लंबी लाइन थी यार, बहुत ही बड़ी, देख रहे हो कितनी लंबी लाइन है।
भाई कुछ साइंटिफिक तरीके से कुछ बनाया हुआ ये जंतर मंतर जो है ना सवाई जयसिंह जी ने बनवाया था, इसको वर्ल्ड हेरिटेज का दर्जा प्राप्त है और ये एस्ट्रोनॉमिकल के तरीके से सबको बताया जाता है कि जो सन का रेज सन जो है कहाँ पे आपको पड़ेगा, मून कहाँ पे है, ये सब कुछ इसमें बताया गया है। ऑल दो मैंने अभी गाइड नहीं लिया, आपको एक बात ज़रूर बोलना चाहूँगा, अगर आप जंतर मंतर आ रहे हो तो गाइड ज़रूर करना, अगर आप गाइड नहीं करोगे ना तो आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी नहीं मिल पाएगी। गूगल में दिया हुआ है बट गूगल में वो एक्सप्लेन नहीं कर पा, गूगल भी वो एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा जो यहाँ के गाइड करते हैं। मुझसे गलती ये होगी, मैंने गाइड बाहर से नहीं लिया, अंदर गाइड मिल नहीं रहा था, तो जो है सो है, गाइड ज़रूर करना फिर ही अंदर आना, ठीक है। थैंक यू मिस, थैंक यू। तो अभी ओरियो शेक पी रहा हूँ और साथ ही साथ कप्पा मैगी ऑर्डर किया है, टोटल प्राइस आया 250 रुपये। हवा महल की एंट्री यहाँ से है, हवा महल की टिकट भी 52 रुपीस की है और यहाँ से एंट्री है। ये रहा सुंदर हवा महल, तो ये पूरा नक्शा बनाया हुआ हवा महल का। होल्स देख रहे ना, यहाँ से जो रानियाँ थी ना वो देखती थी जब यहाँ पे सब राजा जी की सवारी निकलती थी, तो सब कुछ यहाँ से अगर आप देखोगे ना पूरा बाहर का एरिया दिख रहा है। मैं ऊपर आ चुका हूँ, हवा महल जो बना है ना रेड और पिंक स्टोन से बना है और इसकी लागत जो लगी थी ना 4.8 मिलियन इंडियन रुपीस में, ये महाराजा जयसिंह जी ने बनवाया था। रियल में इतनी तेज हवा चल रही है यहाँ पे और आई थिंक आवाज में भी डिस्टर्बेंस आ रही होगी क्योंकि इतने होल्स हैं यहाँ पे, पंखे की तो जरूरत ही नहीं होती होगी। बहुत ही पतली सीढ़ियाँ यार, बहुत ही ज्यादा पतली। पूरा जयपुर शहर दिख रहा है यहाँ से, बहुत ही लंबा रास्ता एग्जिट करने के लिए, बहुत ही बड़ा, उधर से घूम के फिर यहाँ पे आए, बहुत बड़ा रास्ता है। और रियल में हवा महल को रियल में हवा महल कहना चाहिए क्योंकि बहुत अच्छी हवा थी यहाँ पे, बहुत ही अच्छा हवा। जाम देख रहे हो हवा महल के पास, कितना तगड़ा जाम है। हवा महल, जंतर मंतर और सिटी पैलेस देख लिया, अब हम निकल रहे हैं आगे की तरफ। अब हम चलेंगे जल महल देखने के लिए, बड़ा ही जाम लगता है भाई, बहुत ही ज़्यादा जाम लगता है, 4 किलोमीटर है, जबकि बाइक का फ़ायदा तो है कहीं से भी निकल जाती है, अगर गाड़ी होती ना तो फंसी रहती।
और इतने जाम में तो रियल में यार बड़ा ही टाइम लग जाता। पता नहीं मेरा बालाक्लावा कहाँ गिर गया है। अच्छा हुआ मैं हमेशा दो तीन लेके आता हूँ, अभी नहीं है। पता नहीं आवाज़ कैसे आ रही होगी बालाक्लावा से। ब्रीथ की जो आवाज़ है ना वो थोड़ा रुक जाती है। जो गेट होता है ना हेरिटेज गेट, इससे गुजरना बड़ा अच्छा लगता है मुझे। जयपुर मेन सिटी है तो भीड़ तो होगी। मेरे राइट साइड में है जल महल, यू टर्न लेते हैं। क्योंकि यहाँ पे कोई फैसिलिटी तो दिख नहीं रही, इधर ही लगाते हैं। मेरे सामने है जल महल, ये पूरा डूबा हुआ, आधा डूब गया ये, देख रहे हो। अभी ऐसा बाउंड्री कर दिया। यहाँ पे एक लड़की बोल रही थी कि यहाँ पे बाउंड्री कर दिए, पहले नहीं था। ये जो जल महल है ये मानसिक लेक के बीच में बना हुआ है। पहले इसकी ना बार बार मरम्मत होती रहती है, बट अब इसके अंदर तो जा नहीं सकते। आधा ये महल पानी के अंदर डूबा हुआ है, आधा ऊपर है। कूड़ा करकट बहुत है यहाँ, बहुत ज़्यादा कूड़ा करकट है यहाँ पे। यहाँ से गोलगप्पे खा लिए तो आप ये करो, पाँच मंजिल नीचे पानी के अंदर और एक मंजिल ऊपर है। और इस रीज़न इसका ये कि सारा पानी पूरा जयपुर का पानी यहीं पे इकट्ठा होता है, इसी में आता है। महल भी आपको दिखा दिया, अब निकल रहे हैं आमेर फोर्ट की तरफ। आमेर फोर्ट यहाँ से 4 किलोमीटर दूरी है, मुझे लगा क्यों ना आमेर फोर्ट को भी देख लिया जाए। ओ भाई साहब हाथी, आमेर फोर्ट के लिए लेफ्ट। बाइक कहाँ से जाऊँ? पिछली बार आया था ना मैं इसे, यस इसलिए। ओके ओके ओके, कैसे जाऊँ बताओ? यहाँ जाओगे, यहाँ जाके गली आ रही की टेम्पल होगा, छोटा सा टेम्पल, उसके बाद से गली जा रही हूँ वहीं से चले जाओ। बाइक चले जाएगी ना? हाँ जब भी तो बोला। अच्छा चली जाएगी, वैसे ये गाड़ी नहीं जाती। अच्छा टू व्हीलर चल जाएगी। अच्छा चलो आराम से निकल जाएगी बाइक यार। यहाँ से भी लेफ्ट लेना है हमें। यहाँ से कुछ दिखता है आमेर फोर्ट से सामने का व्यू। सर जी निकलना कहाँ से? इधर से जाना है। अब यहाँ पर तो तेल निकल जाएगा निकलते निकलते ही। गाड़ियों का ही जाम,
वहाँ पर टिकट काउंटर पर गया तो इतनी लंबी लाइन लगी हुई थी यार, हैरान हो गया मैं तो। स्टीप उतराई है यार, चढ़ने में तब भी सही लगता है, उतरने में ना बैंड में जाती है। दूसरे गियर पे ही चलाते हैं, क्लच तो दबाना ही नहीं तो भाग जाएगी ये तेजी से। अभी मैं निकल रहा हूँ अपने होटल की तरफ क्योंकि ऑलमोस्ट बज गए हैं 4:30 और हमें पहुँचते पहुँचते 5:30 तो हो ही जाएंगे। वो देखेंगे रात को अगर कहीं घूम पाए तो। मैं अभी अपने होटल पहुंच चुका हूँ लॉर्ड सेंस में। मैंने आपको अपनी तरफ से कोशिश किया कि जयपुर को जितना हो सके मैं एक्सप्लोर कर सकूं, तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई ना तो लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगर जिन्होंने मेरे को इंस्टाग्राम में फॉलो नहीं किया आप वहाँ पर फॉलो कर सकते हैं क्योंकि सबसे पहले पोस्ट वहीं पर आती है और रील्स वहीं पर बनती है। सारी अपडेट मैं वहाँ पर देता रहता हूँ कि मैं कहाँ पर घूम रहा हूँ, तो एक बार कर जरूर लीजिएगा, चेकआउट कर लीजिएगा। चेकआउट करने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं आपसे मिलता हूँ कल क्योंकि कल अब हम जाएंगे जयपुर से दिल्ली वापस क्योंकि 2 दिन का ही ट्रिप था। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तब तक अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए। एंजॉय, बाय, टेक केयर।